जवान मूवी रिलीज होकर एक महीने से ऊपर हुआ, लेकिन अभी भी उस फिल्म की हाइप थिएटर में बनी हुई है। इसी बीच बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जवान फिल्म को थिएटर से उतार नहीं पाई, और इसका फायदा ये हुआ कि फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया। अब इसी बीच जवान मूवी से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जवान मूवी जो वो नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में है, यानी कि उसके ओटीटी राइट्स जो वो नेटफ्लिक्स के पास है। अब जैसे कि कोई भी फिल्म एक महीने से ज्यादा या डेढ़ महीने से ज्यादा फिल्म के थिएटर में लगी हुई है और वो अच्छी खासी चल रही है, तो डेढ़ या दो महीने बाद उसे ओटीटी पे रिलीज करना पड़ता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वो बहुत पहले ही साइन किया जाता है। तो अब जवान मूवी का भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने का टाइम आ चुका है और उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, और वो डेट जो वो काफी खास है क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान का बर्थडे भी है। जी दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे जवान मूवी को 2 नवंबर पे रिलीज किया जाएगा सारी लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी, तमिल और तेलुगु। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें इस बार फिल्म के सारे सीन्स देखने मिलेंगे जो हमें थिएटर में नहीं मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, हिंदी, तमिल और तेलुगु, तो ऐसे में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सीन्स को कट किया गया है। जैसे कि हिंदी में योगी बाबू नहीं है, तमिल में योगी बाबू है, तेलुगु में योगी बाबू है, लेकिन हिंदी में जो वो उनके कैमियो को कट किया गया और उनकी जगह मुकेश छाबरा को कास्ट किया गया। अब ये उनका डिसीजन क्यों था ये तो पता नहीं, लेकिन हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पे जवान मूवी जो रिलीज होगी वहां पे उन सीन्स को भी दिखाया जाएगा जो थिएटर्स में कट किए गए, यानी कि कुछ एक्शन सीक्वेंस है या फिर योगी बाबू का सीन है या फिर जो भी कुछ सीन्स को कट किया गया वो सीन्स को मूवी में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे दो तो बड़े मेन सीन ये है कि फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि थिएटर वाले मूवी में कट किया गया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो दिखाया जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि तमिल वर्जन में जो है योगी बाबू को दिखाया गया था, अब हिंदी वर्जन में शायद से योगी बाबू हमें हिंदी जवान वर्जन में हमें दिखाई देंगे नेटफ्लिक्स पे। तो ये तो बड़ी खबर जो है वो अभी फिलहाल आ गई है, अपडेट आ गया है जो शायद मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो वेट करते हैं नेटफ्लिक्स पे जवान मूवी रिलीज होने का। जवान मूवी जैसे रिलीज होगी उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई इसमें कौन से अपडेट जो दिए गए थे रियल है। बट अगर मैं अगर चाहूँ कि इसमें क्या दिखाया जाए, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हिंदी डब वर्जन में हमें योगी बाबू को दिखाया जाए, क्योंकि योगी बाबू जो अभी साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनकी जो एक्टिंग में जो मासूमियत है, जो उनके जो कन्फ्यूजन वाला जो उनका हमेशा जो शक्ल होता है वो देखने में काफी मजा आता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हिंदी वर्जन में जो है वो योगी बाबू को नेटफ्लिक्स पे दिखाया जाए, एटलीस्ट उनके उस सीन के लिए तो मैं नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देख लूँ। तो दोस्तों आपका इस अपडेट के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप जवान मूवी के फैन हो, योगी बाबू के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।